हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी योर ब्रदर दानिश। होप करता हूँ सारे भाई बढ़िया हो गए। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब। अभी हम हैं लेह सिटी के जस्ट पास में ही, एक होटल है खांगरी के नाम से, तो यहाँ पे हमने मतलब स्टे लिया है भाई आज रात के लिए, और बाकी कल देखते हैं कल का। और फिलहाल अभी हम जा रहे हैं शांति स्टूपा, जो कि यहाँ का फेमस काफ़ी, मतलब एक तरह से बोलेंगे स्टूपा मीन्स स्टैचू होते हैं जो वैसा कुछ, वहाँ पर जाते हैं देखते हैं, आपको भी दिखाएंगे। और बाकी अभी मोटो ब्लॉग तो आपको देखने को नहीं मिला है, बिकॉज हम मोटो ब्लॉग सेटअप लेकर नहीं जा रहे हैं यहाँ पर। और शाम को मॉल रोड जाएंगे घूमने के लिए, वो भी आपको दिखाएंगे। और बाकी पिछली वीडियोज़ आपके लिए, आपने देखी नहीं हो तो उसको ज़रूर देखना, बहुत अच्छी वीडियोज़ बनाई हुई हैं। और सबसे मेन कि यहाँ तक कैसे हैं वो सब आपको पता चलेगा, ठीक है ना। स्टे ट्यून्ड गाइस। भाई बस पहुंचने वाले हैं हम शांति स्तूपा, आपको भी दिखाएंगे। और मैं 360 कैमरा लेके साथ में जा रहा हूँ, उससे हो सकता है शॉट नहीं हो बढ़िया वाले, ठीक है। स्टे ट्यून्ड। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं शांति स्तूपा, बस थोड़ी सी क्लाइंबिंग और रह गई है, और बाकी सामने नजारा देख रहे हो कितना एपिक है। अल्टीमेट भाई अल्टीमेट, इन पहाड़ों के बीच में बना हुआ है शांति स्तूपा, जो कि लेह सिटी का काफी फेमस स्तूपा है। और नीचे लेह सिटी है, पूरी पूरी लेह सिटी दिखेगी आपको। और ये रहा हमारा शांति स्तूपा। तो दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं शांति स्तूपा, और अब जो है मैं आपको दिखाऊंगा, बाकी इसमें परिक्रमा करनी होती है आई थिंक, मतलब घूमना होता है गोल गोल। और एक गलती ये हो गई कि मैं मतलब अपने मोबाइल के लिए ट्राईपॉड तो ले आया, बट मैं उसके लिए लेके नहीं आया, इंस्टा 360 के लिए जो स्टिक होती है ना वो लाना भूल गया। तो अब क्या है कि यार हाथ में लेके कोशिश करूँगा कि उसको मैं शूट कर लूँ, अदरवाइज़ फ़ोन से दिखा दूँगा वरना, ठीक है। 8 बजे तक रात को ओपन है, ठीक है जी। तो दोस्तों टिकट जो मिलती है यहाँ पे उसका चार्ज रहने वाला है 30 रुपीज़ ईच, ठीक है जी। एक बंदे के लिए 30 रुपये, और जो यहाँ के लोकल है उनके लिए कोई टिकट नहीं है, ठीक है। नज़ारा एक नंबर है भाई, एक नंबर नज़ारा है। तो दोस्तों ये है शांति स्तूपा की टिकट, देख सकते हैं आप, ठीक है जी। 30 रुपये रहने वाली है, 12 मई की स्टैंप लग गई। तो भाई हालत जो है ख़राब हो गई क्लाइंबिंग करते करते, क्यों असमत? बहुत बुरी हालत है भाई, लग रहा थक गया बिल्कुल। ये लो जी फिर से वही सांसें फूलने लग गई। हाँ अभी हम थोड़े काले काले दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि यहाँ एक तो ना पीछे से रोशनी है और हम आगे इधर से शूट कर रहे हैं इस वजह से, बाकी तो सब बढ़िया है। क्या बात है, इसकी स्टिक लेके आता ना मैं तो और मज़ा आता। और मैं इस इंस्टा 360 से फर्स्ट टाइम मैं ऐसे व्लॉग कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कभी इससे करा नहीं है शॉर्ट्स के अलावा। बाकी ये देखो नज़ारा, क्या बात है जी, बहुत बेहतरीन। अच्छा लगा होगा, मैंने घुमाया ऐसे, अच्छा लगा होगा आपको उम्मीद करता हूँ। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करना। अभी इंस्टा 360 से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि यार मैं अपना गोप्रो लाया नहीं और मैं फ़ोन से भी कर नहीं रहा हूँ, ठीक है जी। क्योंकि इससे शॉट्स अच्छे आते हैं, थोड़ा सा ना वाइड एंगल मिल जाता है, अच्छा खासा व्यू मिल जाता है। और जैसे कि आप सामने देख रहे हो उस टाइम पर कैसे फोटोग्राफी हो रही है, नीचे चलते हैं। सॉरी Thank you.
मिस्टर जैसे तेवर घर को ही लेता फेवर बड़ी अप्रोच ऊंची हम तो है दुनिया के पास तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने वापसी होटल में। ठीक है जी, हमने बाइक पार्क कर दी, हेलमेट रख दिया, अब यहाँ से हम जा रहे हैं मॉल रोड जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो भाई अभी एक चिकन सीख का ऑर्डर दिया है टेस्ट करने के लिए कि अगर अच्छा लगा टेस्ट तो जरूर और लेंगे। बाकी उधर मोमो के लिए बोल दिया, चिकन मोमो भी हमने फिलहाल एक प्लेट मंगाई है। सारा सीन ये है कि टेस्ट का है, अगर टेस्ट हमें मिलता है तो फिर हम और ऑर्डर करेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों अभी ना टेस्ट करने के लिए भाई पांच दिए थे, एक तो इन्होंने उठा लिया बिना चटनी खा रहे, एक वो खा गए। ठीक है लाओ मैं खोलता हूँ, पकड़ नीचे से चलो आगे खोलो भाई। तो भाई एक पीस उठाते हैं, ये लेह का ना पहला बाइट है, ये यहाँ की स्पेशल रोटी है, नवाजा बोलते हैं इसको, और साथ में प्याज मिल रही है अपने को। ठीक है जी, और वहाँ पे एक सीख रेडी हो रही है, वो टेस्ट के लिए करवा रहे हैं हम। ठीक है, चेक करने के लिए, चार बंदे चार बोटी। अब सबसे छोटी वाली जो सबसे छोटे बंदे को मिलेगी, उम्र में ही छोटा है हमारे से, देख दो टेंशन हो गई। भाई यहाँ घूम लिए हम, आपने देखा इंस्टा 360 शॉट देखे जिसमें मैंने आपको दिखाया कि मॉल रोड कैसा है, मनाली जैसा ही है बट सेम ही लग रहा है। बाकी एक बार और दिखाता हूँ आपको, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे ना बहुत सारी टी शर्ट्स मिल रही हैं, ठीक है, लद्दाख से इंस्पायर होकर, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये देख लूँ, लद्दाख देख ले तो ये लूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बहुत सारी वैरायटीज मिल जाएंगी देखने को आपको टी शर्ट्स की, ठीक है। इसमें मुझे काला चाहिए, देखो दोस्तों मैं ये ले रहा हूँ, लद्दाख देख ले, ठीक है। और हसमत ले रहा है अपने घर के लिए अगरबत्ती, इसको इसकी फ्रेग्रेंस काफी अच्छी लगी, ये ले लो, काली नहीं होगी, काली नहीं। ओहो तो भैया ये डार्क ब्लू है, कुछ ब्लू अच्छी है ना, खोलना था एक बार इसको, छोटी है जी नहीं, एक से बड़ा। तो दोस्तों टी शर्ट तो मिल गई थी बट साइज नहीं मिला, तो अब यही है कि भाई छोड़नी पड़ी टी शर्ट वगैरह, कोई और पैटर्न पसंद कर लो। मैंने कहा कोई और पैटर्न मुझे नहीं पसंद आ रहा, तो मेरे को रहने दो कोई बात नहीं, क्या चलो कोई बात नहीं। तो देखो लद्दाख में भी जो है मस्जिद देखने को मिलती है अपने को, बहुत ही बढ़िया लग रही है, काफ़ी अच्छी तरीके से बनाई गई है माशाल्लाह से, काफ़ी अच्छी लग रही है जो बात है। दोस्तों यहाँ पे सब्जी वब्जी मिल जाएगी आपको मॉल रोड पे, कच्ची सब्जी चाहिए बनाने के लिए वो भी मिल जाएगी, मसाले मसूले सब मिल जाएगी, और ये जो है केमिस्ट है, तो ओवरऑल सारी की सारी चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं आपको लद्दाख में, ठीक है, मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। ये हो गया मॉल रोड एंड, यहाँ से भी एंट्री है, और अगर बात करें उधर से तो वहाँ साइड से भी एंट्री है, ठीक है। तो ये है लद्दाख की मार्केट।
मैंने ये दो लिए अपने, मतलब जो मेरा रेफ्रिजरेटर है उसके ऊपर लगाने के लिए, एक ये लिया है मैंने आफ्टर लद्दाख जो भी आए हुए हम, और एक ये लिया है मैंने, ये अपने पर सूट करता है। ठीक है, तो दो चीज़ ले लिए मैंने, और भी कुछ देखता हूँ मिल जाएगा तो लेता हूँ। ठीक है, सो गाइस मैं दूसरी शॉप पे आया टी शर्ट को देखकर, यहाँ पे जो है ना बहुत सारा कलेक्शन है टी शर्ट का, बट जो मुझे पसंद आ रही है ना वही नहीं मिल रही, वहाँ पे भी नहीं मिली और यहाँ पे भी नहीं मिली। देख रहे हैं बाकी भैया, कलर तो वो मिला नहीं जो चाहिए था, बट ये वाला मैंने चूज़ करा है। ठीक है, ग्रे कलर है और ये लिया मैंने। ठीक है, वैसे पैटर्न तो यहाँ बहुत सारे बट ये कलर पसंद आया तो ये ले रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मॉल रोड घूम लिया था, क्या है कि भाई रात का समय है तो बस खाना खा के सोना है और सुबह निकलना है हमारे को नुब्रा वैली के लिए। तो फिलहाल हम होटल में, मतलब ये रेस्टोरेंट है, क्या नाम रहने वाला है, स्ट्रीट वॉक के नाम से मेरा रेस्टोरेंट है, यहाँ पे आए हुए। तो अभी मैंने यहाँ पे ऑर्डर दिया हुआ है चिकन टिक्का मसाला और चपाती रोटी जो होती है वो, और एक का चीज और देख रहे क्रिस्पी चिकन ना, मैं वही कह रहा हूँ खा लेंगे, एक क्रिस्पी चिकन भी कर दो भैया, थोड़ा सा ना स्पाइसी ना बढ़िया करके। ठीक है, तो एक क्रिस्पी चिकन, एक चिकन टिक्का मसाला और चपाती। ठीक है, ये ऑर्डर दे दिया हमने, और बाकी हाँ वो खाएंगे भाई, बिल्कुल खाएंगे भाई, गर्मी चाहिए भाई, ठंड बहुत हो रही है, बाकी रेस्टोरेंट का काफी अच्छा है। तो दोस्तों ऑर्डर दे दिया है, बस ऑर्डर देते ही अब क्या है कि हम जा रहे हैं रूम पे, हमारा जो होटल है ना वो सामने रहने वाला है। ठीक है, खानगिरी के नाम से होटल है और मॉल रोड के बिल्कुल पास में ही है, तो वहाँ जा रहे हैं। भैया को बोला पहले स्नैक वाला आइटम दे देना, पहले स्नैक वाला आइटम दे देना, देन उसके बाद फिर हम कुछ और खा लेंगे। ठीक है, मतलब जो चिकन टिक्का करी है,